subject of this film and why did you choose this film? I've still made a film of a subject that will make people sit up and think. I've chosen this subject because I was very excited by the prospect of trying to work with new and fresh people. Secondly, I felt it's a very important problem that's taking place in our homes today. पहले आप ये बताइए कि एक हार्ट हिटिंग फिल्म आपने वापस चुनी है, तो क्यों में होता है? क्यों में क्या होता है? मैंने पहली बार कोशिश की है कि एक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम जो चल रहा है हमारे सोसाइटी में, बहुत से लोगों से मैंने सुना कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते, फोकस नहीं है, ढेर सारा पैसे देते हम लोग, जो मांगे हम लोग देते हैं फिर भी बिगड़ रहे हैं. ना दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हो रहा है? सो आई ट्राई टू डेल्व इन टू दैट होल सिचुएशन कि क्यों इरोजन ऑफ वैल्यूज़ हो रहा है, स्पेशली अमंग द यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 22. इज़ इट सैटेलाइट इन्वेजन एंड पेनिट्रेशन इन टू इवन मोफसिल टाउन्स, या इज़ इट हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में हमने बुलक कार्ट एज से स्पेस एज पे पहुंच गए और बीच में जो क्या हो रहा है वो अटेंशन नहीं दिया, ये क्या है? और हम लोग जो बार बार कहते हैं अरे एमटीवी कल्चर, चैनल वी कल्चर, बट ये क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट डिक्राई वेस्टर्न कल्चर एंड से दैट इट इज़ कनोटेड ओनली बाय एमटीवी एंड चैनल वी. सो क्यों हमारे बच्चे सिर्फ वो दो चैनल्स देखते हैं? क्या है कि ये जो फ्रिवलस सुपरफिशियल अप्रोच टू लाइफ जो अभी इतनी गहराई से मतलब आ गई हमारे सोसाइटी में, क्यों हो रहा है? दिस इज़ ऑल व्हाट आई आस्क क्वेश्चन इन द फिल्म. आपकी पहली फिल्मों में से अलग क्यों का लुक है, उनकी अलग फील है, क्योंकि बहुत फ्रेशनेस है, यूथ का आपने बहुत इस्तेमाल जी. इस फिल्म में काफ़ी एनर्जी है और मुझे क्या खुशी हुई इस फिल्म बनाते कि नॉट ओनली लड़के लड़कियाँ नहीं थी, इवन मेरे टेक्नीशियंस को मैंने सब यंग लोगों को लिया. अपूर्व असरानी और हेमल कोठारी 24-year-old बॉयज़ जिन्होंने एडिटिंग की, अरुण नाम्बियार जिसने साउंड किया. सो मुझे भी काफ़ी शिवाना कमल जिसने कॉस्ट्यूम्स की, आई थिंक थ्रू देम ऑल्सो आई इवॉल्व्ड एंड आई फेल्ट दैट आई वॉज ऑल्सो 25. सो आई थिंक व्हेन यू सी द फिल्म आपको महसूस नहीं होगा दैट अ लेट 40s डायरेक्टर हैज़ मेड इट, और वो अगर आपको महसूस हो कि एक 25 साल की उम्र की डायरेक्टर ने की है, देन आई वन माई बैटल. एक और सवाल, फिल्ममेकर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशल सिनेरियो को वो अपने फिल्मों में रिफ्लेक्ट करें? आई मीन आप फिल्ममेकर्स रिस्पॉन्सिबल? सी आई कैन नॉट टॉक फॉर एवरीवन, बट आई कैन टॉक फॉर माई सेल्फ. मैंने कभी ऐसे सब्जेक्ट को नहीं चुना जिसमें एक सोशल डायमेंशन ना हो. आई डोंट से आई फील रिस्पॉन्सिबल, बट आई से दैट अगर मेरी आवाज़ पहुँच पाती है टू एन ऑडियंस, तो क्यों नहीं मैं एक अवेयरनेस लाऊँ फिल्म में. सो इसलिए आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. ठीक है. फिल्म आपने एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के लिए बनाई है? नहीं, आई थिंक दिस फिल्म कैन अपील टू द जेनरेशन ऑफ द पेरेंट्स, आई वुड से बिटवीन 40 and 60, एंड इट कैन अपील टू टीनेजर्स बिटवीन 14 and 25. Thank you.